बरसात के पानी में झोपड़ी ढह जाने से रविशंकर शुक्ल मार्केट पावर हाउस पटरी के समीप निवासरत परिवार सड़क पर आ गया है, जिन्हें आसपास के दुकानदारों ने सहारा दिया है। घटना 6 माह पुरानी है, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिल सका है। 6 माह पूर्व रविशंकर शुक्ल मार्केट पावर हाउस रेलवे पटरी के समीप निवासरत किरण भाला घड़े का कच्चा मकान बरसात में ढह गया था। वह अपने परिवार सहित निवासरत थे। निवास रहने लायक नहीं होने से पीड़ित परिवार को आसपास के दुकानदारों ने सहारा दिया है। घर ढह जाने की जानकारी परिवार द्वारा नगर निगम में भी दी गई, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद परिवार को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिल सका है। पीड़ित किरण भालाघड़े और उनके पति चेतन भालाघड़े ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम किरण भालाघड़े है। 6 महीने हो गया, बारिश के पानी से डूब गया है घर। तो मोनू भैया है, उसके जरिए से हम लोग रह रहे हैं, दे दिया ऐसे रहने के लिए घर। तो हम लोग को अब वहाँ सब गए, तहसीलदार के पास कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। 2-3 बार हो गया, जा रहे आते ही नहीं है देखने के लिए। तब से भी हम लोग जाना ही छोड़ रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है बच्चे के साथ, तो बच्चों से बड़े होकर हम लोग लड़कियाँ रह जाते हैं, हम लोग को रहने की जरूरत भूल गई है हमारी। हम लोग किरण रह करके हमारे एक बाजू में सीट है, तो उनके बरामदे में हम लोग रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। एक दो बार इसमें टूटा था तो नोटिस ले दिया था, बहुत दिन पहले, यहाँ से 10-8 साल पहले। और साथ वालों को तो झोपड़ी मिल गया शिवाजी नगर में, उस समय मैं यहाँ से 45 डेट हो गए थे, बड़े पिताजी गाँव चला गया था। सामाजिक संस्था कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन सील ने कहा कि तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने प्रयास किया जाएगा। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में ऐसे कई लोग हैं जो बरसात का पानी गिरने से ऐसे कई लोग भटक रहे हैं, जिनकी मकान काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है और उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिला। ऐसे ही एक परिवार है जो कि वार्ड क्रमांक 38 जो वर्तमान सोनिया गांधी नगर के रविशंकर शुक्ला मार्केट पटरी के उस पार रहते हैं रेलवे जमीन पर, जिनका मकान करीब करीब 6 महीना पहले बरसात के मौसम में ढह गया था, जिनकी अभी तक ना ही सूद लेने के लिए प्रशासन के द्वारा कोई व्यक्ति आया है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि, जिसके कारण इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। वर्तमान में रविशंकर शुक्ला मार्केट के व्यापारी मोनू शर्मा के द्वारा वह अपने मकान पर रख कर उन्हें सहयोग प्रदान कर रहा है, जिसके चलते आज वह भले उन्हें छत मिल चुका है, परंतु छत की पूर्ण रूप से जो स्थायी रूप होना चाहिए उसका स्थायी रूप मिले, जिसके संबंध में आज जब हमको जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ स्थल पर पहुंचकर उनकी दयनीय स्थिति को देखे हैं और तत्काल इसके संबंध में एक तहसीलदार को पत्र दिया जा रहा है, जिस पर कि उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान मिले और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में मकान भी दिया जाए, इसकी मांग को किया जाएगा। और जल्दी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तो इसको लेकर इन ऐसे कई परिवार हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और वर्तमान में ऐसे भटक रहे हैं, उनको लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात किया जाएगा। बहरहाल पीड़ित परिवार वर्तमान में दुकानदारों के गोडाउन में गुजर बसर करने को मजबूर है। प्रशासन से इन्होंने मदद की गुहार लगाई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।